Hello everyone, we will solve some more questions related to the simplification of the grammar. So let's say this is the grammar given. और आपको पता है कि जो सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप यूजलेस प्रोडक्शंस को रिमूव करते हैं. यूजलेस प्रोडक्शन में हम दो कैटेगरी बना लेते हैं. एक कैटेगरी वो है जो नॉन टर्मिनल पे रीच ना कर पाए, और दूसरा वो कैटेगरी है जिसमें कि हम उन सिंबल्स पे स्टार्ट सिंबल से कभी ना पहुंच पाए. सो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जिनसे हम टर्मिनल सिंबल्स पे पहुंच पाते हैं. सो लेट्स से वी आर टेकिंग अ डेटा इक्वेशन एस प्रोड्यूसेस ए बी. वी आर टेकिंग अनदर वन, लेट्स से एस प्रोड्यूसेस सी ए. इसके बाद फिर जो ए है उससे हम टर्मिनल सिंबल स्मॉल ए रीच कर सकते हैं, और जो बी सिंबल है उससे या तो हम बी सी का प्रोडक्शन बी सी का एक्सपेंशन करेंगे या ए बी का एक्सपेंशन करेंगे. सो हम सबसे पहले बी प्रोड्यूसर बी सी कर लेते हैं, और आप देख रहे हैं कि जो बी है उससे आप कभी भी टर्मिनल पे नहीं पहुंच पाएंगे. सी से आप ऑब्वियसली स्मॉल बी लेके टर्मिनल सिंबल पे पहुंच सकते हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जो सी हमारा है उससे हम टर्मिनल पहुंच रहे हैं, ए जो है उससे टर्मिनल पहुंच रहे हैं, और एस से भी हम टर्मिनल सिंबल पहुंच सकते हैं अगर हम सी ए प्रोडक्शन का यूज करें. सो एस प्रोड्यूसर सी ए, तो सी प्रोड्यूसर लेट्स से स्मॉल बी एंड ए प्रोड्यूसर स्मॉल बी, तो एस से भी हम टर्मिनल सिंबल पहुंच जाएंगे. तो इसका मीनिंग है कि जो एस है वो वैलिड सिंबल है, जो ए है वो भी वैलिड सिंबल है, और जो सी है वो भी वैलिड सिंबल है, लेकिन बी वैलिड सिंबल हमारे लिए नहीं है. तो ऐसे सारे प्रोडक्शन जिसमें कि बी है हम उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि ये जैसे एस प्रोड्यूसर से भी हम रिमूव कर देंगे. ये दोनों प्रोडक्शन हमारे बी प्रोड्यूसर बी सी एंड बी प्रोड्यूसर ए बी, हम इसको भी रिमूव कर देंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम विद ए प्रोड्यूसर ए एंड सी प्रोड्यूसर ए बी एंड बी. तो हमारा जो सिंप्लीफाइड ग्रामर है दैट बिकम्स एस प्रोड्यूसेस सी ए, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन. द सेकेंड प्रोडक्शन बिकम ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए एंड देन सी प्रोड्यूसेस ए बी एंड बी. सो दिस इज द सिंप्लीफाइड ग्रामर. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. सो दिस इज द एग्जांपल, और इसमें सबसे पहले हम डिराइवेशन से ये देखते हैं कि हम किन किन सिम्बल्स, कौन कौन से ऐसे सिम्बल्स हैं जो हमें टर्मिनल सिंबल की तरफ लेके जाएंगे. सो एस प्रोड्यूसेस ए ए ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए. ए से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एस बी एस स्मॉल बी या फिर बी सी सी. तो अगर आप ये देखें कि ए प्रोड्यूसेस एस बी अगर हम लें, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ए प्रोड्यूसेस कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, एंड देन कैपिटल ए को दूसरे तरीके से अगर हम एक्सपैंड करें, सो दिस लीड्स टू बी सी सी बी एंड बी सी सी लाइक दिस, एंड दिस सी एक्चुअली लीड्स अस टू ए बी बी, एंड दिस ऑल्सो लीड्स अस टू ए बी बी. सो इसका मतलब क्या है कि जो सी है दैट इज लीडिंग अस टू टर्मिनल सिंबल, इट इज ओके. एस इज ऑल्सो लीडिंग अस टू द टर्मिनल सिंबल. आप देख सकते हैं कि एस जो है वो टर्मिनल सिंबल की तरफ लीड कर रहा है. इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एस इज ऑल्सो फाइन, एंड ऑब्वियसली ए इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि ए से हम डिराइव कर पा रहे हैं टर्मिनल सिंबल्स को. इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सिंबल्स हैं जो कि जहां पे हम कभी भी नहीं पहुंच सकते. तो इस डिराइवेशन से ये क्लियर है कि हम ई पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे. इसका मतलब है कि ये जो ई से स्टार्ट होने वाला जो प्रोडक्शन है हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं. तो सिंप्लीफाइड हमारा ग्रामर है उसमें केवल तीन प्रोडक्शन होंगे, एस प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, देन ए प्रोड्यूसेस एस बी एंड बी सी सी, एंड देन सी प्रोड्यूसेस ए बी बी. सो यही हमारा सिंप्लीफाइड ग्रामर है. सो वी विल टेक मोर एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.